हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। एंड ये रीडिंग है आपके मार्च के फोर्थ वीक की, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके स्कॉर्पियंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपीयर हो रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो। हो सकता है कि ये कोई फैमिली मेंबर हो आपके पार्टनर का, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बाधा बन रहा है, एक ऑब्स्टेकल बन रहा है। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर यहां टू ऑफ कप्स है। आई थिंक ये जो भी पर्सन था या ये जो भी बाधा थी, ये हटने वाली है, क्योंकि इस बाधा को यहां से जाना होगा। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंड अब वो आपसे दूरी नहीं बना सकते सिर्फ इस थर्ड पर्सन के कहने पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इस थर्ड पर्सन की बातें सुननी है या ये उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट है। इसके लिए वो अपना रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, वो इसके लिए अपने फीलिंग्स का बलिदान नहीं चढ़ाना चाहते। एंड कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप उन्हें डिजर्व करते हैं और वो आपको डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ ऐसा है जो इस फिजिकल वर्ल्ड से भी आगे जाता है। आई मीन स्पिरिचुअल लेवल पे, या सोल आपकी जो है वो मैच करती है, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। एंड ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये इनसिक्योरिटी है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट में नहीं रहते हैं ज्यादा समय तक, या आपके और उनके बीच डिस्टेंस रहता है, तो आप उन्हें छोड़ देंगे, या फिर अगर वो इस थर्ड पार्टी को इस सिचुएशन में से बाहर नहीं भेजते या इन्हें निकालते नहीं अपनी लाइफ से, तो फिर वो अकेले पड़ सकते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन के अंदर बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इस पर्सन को बहुत सारी एडवाइजेस मिल रही है, और उनके दिमाग में दिन भर ये चलता रहता है कि वो कैसे इस अकेलेपन से बचे। अगर इन्हें किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है अकेलापन, एंड उन्हें लगता है कि आपके बिना वो अकेले ही हैं, चाहे आसपास जितने लोग हों। और वो क्लियरली दूसरों की इंटेंशन समझ पा रहे हैं। यहां आप देख रहे होंगे अजीब अजीब से क्रिएचर बने हुए इस कार्ड पे, वो समझ पा रहे हैं कि कौन उनका वेलविशर है और कौन उनका एनिमी है, कौन उनका दुश्मन है और कौन उनका अच्छा नहीं चाहता। सो उन्हें पता है कि अगर वो आपको छोड़ते हैं या इस रिलेशनशिप को तोड़ते हैं तो फिर नुकसान उन्हीं का है, ये लोग सफर नहीं करेंगे, ये एडवाइस देके कहीं चले जाएंगे और उन्हें जीवन भर के लिए अकेलापन झेलना पड़ सकता है। सो इस एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अपनी विशेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां नाइन ऑफ कप्स देखें तो इस पर्सन ने बहुत विश किया है, बहुत सारी दुआएं मांगी है, तब जाके आप उनके लाइफ में आए हैं। एक तरीके से आप उनके लिए परफेक्शन है, एक तरीके से आप
उनके लाइफ में इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने हमेशा यूनिवर्स से आपके जैसा कोई पर्सन मांगा था, भले ही वो आपको जानते हो या नहीं जानते हो। वो जिसको पिक्चराइज कर रहे थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने पार्टनर में चाह रहे थे, जो पर्सनैलिटी अपनी पार्टनर की चाह रहे थे, वो विशेस मैनिफेस्ट हुई हैं तब आप उनकी लाइफ में आए हैं। और अब वो ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि वो एक थर्ड पर्सन की बात में आके आपको नहीं छोड़ सकते, और ये एक पेंटिकल जो उनके लिए गिफ्ट है वो इसे नहीं छोड़ना चाहते, वो किसी और को ये पेंटिकल नहीं देना चाहते। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा आप अपना मून एंड राइजिंग साइन भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड सिक्स ऑफ कप्स। सो यहां पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन दोबारा से चीजों को स्टार्ट करना चाहता है। जहां पे चीजें खत्म हुई थी वहां से वापस ये उस पॉइंट तक जाना चाहता है जहां पर आप एक साथ थे, क्योंकि यहां पे अभी भी कुछ उम्मीदें तो जरूर बची हैं। जैसे यहां पे टूल्स है जिससे ये पर्सन कुछ नया क्रिएट कर रहा है, तो यहां पे कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इमोशंस हैं जो अभी भी आपके एक दूसरे के पास हैं, एंड कुछ मेमोरीज हैं और कुछ रीजंस भी जिन्हें लेके ये एक फ्यूचर देख रहे हैं, जिसे लेके ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब आप अगर यहां फोर ऑफ कप्स देखें तो ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। इन्होंने आपको इग्नोर किया, इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो तीन कप्स हैं जिनको उन्होंने चूज किया, जिन लोगों को उन्होंने चूज किया आपके ऊपर, वो लोग उनके काम के नहीं हैं, क्योंकि जो उन्हें चाहिए था वो इस कप में था। ओके, और जो कुछ भी वो चाहते थे वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। यहां पे ये कप्स खाली है, एम्प्टी है, और जहां पे उनके पास कप पूरा भरा हुआ था वो कप उन्होंने ड्रॉप कर दिया इन तीन कप्स के चक्कर में। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, एंड उन्होंने अपने लाइफ की सबसे वैल्यूएबल चीज को खो दिया है। सो पहली बात, ये पर्सन ये पेंटिकल क्रिएट कर रहा है, एक प्लान है इनके पास या एक आइडिया है जिससे वो आगे बढ़ सके। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपके पास आ रहा है और आपको ये पेंटिकल ऑफर कर रहा है, मतलब कि जो कुछ भी चीजें बची हुई हैं उन्हें ये दोबारा उन टॉपिक से दोबारा बातें शुरू करना चाहेंगे, या कोई एक पर्टिकुलर मेमोरी को लेके बात करना शुरू करेंगे, यानी पॉजिटिव चीजों से बातें शुरू करना चाहेंगे, और आपको पुरानी बातें याद करवा सकते हैं, आपको नॉस्टैल्जिया फील करा सकते हैं ये, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के साथ एक पुराना रिलेशनशिप हो सकता है। आप में से कुछ के लिए ये चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड यहां बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको वही सब कुछ याद दिला रहे हैं कि आप दोबारा से नॉस्टैल्जिक फील करें, आप दोबारा से उस रिलेशनशिप को फील करें जो पहले कभी आपके लाइफ में था, ताकि वो आगे बढ़ सके। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सो यहां पे आपको कहा जा रहा है कि
आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। इस बात को भूल जाइए, इस वक्त आपको कोई जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। चूज पीस, शांति, जो चीज आपको शांति दे आप उसे चूज कीजिए, क्योंकि ये सब बहुत इमोशनल करने वाला एक सीन है या एक सिनेरियो है जिसमें इस वक्त आप हैं। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आप पीसफुल रहेंगे, आपको अगर शांति मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपके पुराने इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे और आपके जो पुराने घाव हैं वो भर जाएंगे। वक्त दीजिए तो वक्त आपके सारे काम करेगा। अगर आप वक्त देंगे तो वक्त ही आपके लिए सब कुछ प्लान करेगा और वक्त आपको इस सिचुएशन में से भी बाहर ले आएगा। तो ये थी रीडिंग आपके मार्च के फोर्थ वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।